नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कैरनट इंजन्स ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सी. द फर्स्ट रिसीव्स हीट एट 1200 के. तो मान लीजिए पहले वाले ने Q1 हीट रिसीव करी, Q1 हीट एंड रिजेक्ट्स टू अ रिजर्वॉयर एट टी के. द सेकेंड इंजन बी रिसीव्स द हीट रिजेक्टेड बाय. अब मान लीजिए भाई इसने Q1 हीट रिसीव करी और Q2 रिजेक्ट कर दी. तो ये है वर्क डन, जो हीट में डिफरेंस होता है यही वर्क डन होता है. दिस इज द वर्क डन बाय फर्स्ट. और दूसरे वाले ने क्या किया, दूसरे वाले ने Q2 हीट जो पहले ने रिजेक्ट करी है उस हीट को Q2 ने ले लिया, रिसीव कर लिया. और मान लीजिए Q3 हीट को रिजेक्ट किया है तो वहां का जो वर्क है वो Q2 माइनस Q3 है. एंड सवाल में मेंशन्ड है कि दोनों वर्क बराबर है, ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर लिख देना है. इक्वल लिखते ही आपको ये मिल जाएगा Q1 प्लस Q3 बाय 2 इक्वल्स टू Q2. नाउ आई थिंक यू रिमेंबर दैट हीट एंड द टेम्परेचर आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन कार्नोट साइकिल. तो हम क्यू को उनके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर से रिप्लेस कर सकते हैं. तो आपके पास T2 आ जाएगा, T1 प्लस T3. तो T1 प्लस T3 इज 1200 एंड 300, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 750 केल्विन. करेक्ट आंसर है इसका